بسم الله الرحمن الرحيم. भिंडी जिसे कई नाम दिए गए हैं, जैसे ओकड़ा, लेडी फिंगर और बहुत से दीगर। भिंडी की हंडिया हमारे ओरिजिन यानी बरसगीर पाको हिंद में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सब्जी है। जो कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते वो सिर्फ इसलिए कि ये लेसदार होती है। अगर रवायती अंदाज में और किसी माहर के हाथ से ये हंडिया पकी हो तो यकीन जानिए खाने वाले लेस की लज्जत में गुम हो जाते हैं। इस ओरिजिन के बेहतरीन पकाने वालों की वजह से ये सब्जी की हंडिया पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो चुकी है। हम जिस तरीके से भिंडी की हंडिया पकाएंगे अगर इसको फॉलो किया जाए तो लेव नाम की कोई चीज भिंडी पकाते वक्त आपके हंडिया में ना होगी। अजय तरकीबी ये है कि भिंडी जिसे हमने अच्छी तरह धोकर एक टोकरी में रख दिया और जब वो हो जाएगी तो दिखाए गए साइज के मुताबिक काट लेंगे। ना ज्यादा छोटी करनी है ना ही बड़ी बड़ी रखनी है। प्याज है जिनको लंबे रुख काटना है। चार टमाटर दरमियाने साइज के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। प्याली में हरी मिर्च है जिसे हमने ग्राइंड कर लिया है। आप इसे बारीक काट कर या चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाला जात बहुत लंबे चौड़े ना है, सिर्फ तीन है, जैसे कि नमक, सुरख मिर्च और हल्दी। हल्दी इस सब्जी में अदरे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे जिससे अंडिया के जायके के साथ साथ रंगत भी बहुत खूब हो जाएगी। तफसीले जायतर की भी वीडियो के आखिर में मुहैया किए गए हैं, जरूर देखिएगा। हम यहाँ ऑयल तेल का भी इस्तेमाल करेंगे। चले शुरू करते हैं। हमने एक पतीली में 1.5 कप ऑयल डालकर पकने के लिए रख दिया है। अब इसमें भिंडिया फ्राई करने को डालेंगे। जब भिंडिया फ्राई करनी है तो बहुत एहतियात से चम्मच हिलानी है कि इसके बीच न निकले, पास ही खड़े रहना है और फ्राई करते रहेंगे। इस तरह फ्राई करने का सबसे ज्यादा ये होगा कि इसमें लेस नाम की कोई चीज ना रहेगी। फिर कह देते हैं कि फ्राई करते हुए मुसलसल मगर एहतियात के साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। जब इनका रंग कुछ बदल जाएगा और थोड़ी सी सुकड़ जाएंगी तब भिंडिया ऑयल में से निकाल लेंगे। ज्यादा ब्राउन नहीं होने देना, ना ही डीप फ्राई करना है। ये ले भिंडिया हमारी मतलूबा हद तक फ्राई हो चुकी हैं। अल्लाह करीम का नाम लेकर भिंडिया ऑयल में से निकाल लेंगे। अल्लाह करीम का नाम लेने से हमारे हर काम में बरकत आ जाती है। ये देखें, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना के लेस खत्म हो जाए। बस थोड़ा सा रंग ही तब्दील हुआ है। तमाम भिंडिया ऑयल में से निकाल कर अलहदा कर ली है और उसी ऑयल में प्याज डालकर फ्राई करना है। अब हमने चम्मच को तेजी से हिलाते रहना है, कहीं से प्याज का कोई किनारा जल लेना पाए। अक्सर ये समझा जाता है कि हर हंडिया पकाने के लिए प्याज को इतना फ्राई करना है कि ब्राउन हो जाए, मगर हमने यहाँ प्याज को ब्राउन नहीं होने देना। बस इतना फ्राई करना है कि इसकी महसूस भू खत्म हो जाए और प्याज का कच्चा बन चला जाए, हल्का सा रंग तब्दील हो जाए। कहीं से प्याज का कोई किनारा जल गया तो सारी हंडिया खराब होने का डर है। हमने यहाँ ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक फ्राई करना है, इससे ज्यादा भूनना नहीं। जैसे ही प्याज का रंग तब्दील हो जाए तो इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद 2 मिनट के लिए मजीद फ्राई करते रहेंगे। यहाँ आंच को हल्का सा तेज कर ले तो आसानी हो जाएगी। साथ ही हम यहाँ हरी मिर्च शामिल किए देते हैं। हमने हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है, आप काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मिनट फ्राई करने के बाद हमने
नमक, सुराख मिर्च और हल्दी भी शामिल कर दी है। हांडिया पकाते वक्त आपने नोटिस किया होगा कि हमने किनारों को कुछ भी लगा नहीं रहने दिया, जिससे किनारे गंदे हो जाएं। पकाने के दौरान सफाई और नफासत ही पकाने वाले का बेहतरीन हुनर है। 2 से 3 मिनट के लिए मजीद फ्राई करना है। इसके बाद इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। जब ये अच्छी तरह खुश्क होने वाला होगा तो हम इसमें भिंडियां शामिल कर देंगे। जिस स्टेज पर ये प्याज का मसाला नजर आ रहा है, अगर इस मसाले के साथ ही एक रोटी लगाकर खाई जाए, यकीन जानिए मजीद किसी चीज की जरूरत महसूस ना होगी और हम आला से आला पकवान को भूल जाएंगे। चले आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम भिंडियां शामिल किए देते हैं। इस बार चम्मच को बहुत नरमी और एहतियात से हिलाना है कि भिंडियां टूटने ना पाए। जब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर लगा देंगे, जिससे ये मसाला भिंडियों में अच्छी तरह रच बस जाएगा। देखें कितनी आसानी से हमने बेहतरीन सी डिश तैयार कर ली है। हमारी मसाला भिंडी तरह ही तैयार हो गई है। प्याज का मसाला जितना खूबसूरत नजर आ रहा है उतना ही मजेदार भी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। इस डिश को पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें और सब्जियों की मलका की लज्जत से लुत्फ़अंदोज़ हो और मजेदार दिखाए। पहले हमने रोटी के साथ और पुदीने की चटनी के साथ मसाला भिंडी सर्व कर दी है। यकीन जानिए जिसने भी खाई तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। इंतहाई लजीज सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर की गई है। अल्लाह करीम हमारे खाने में बरकत और जायका अता फरमाए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।